वॉमिटिंग लेट्रिफर्स के साथ मैं हूँ गालिब हुसैन। आज की वीडियो के अंदर ऑडिटिंग के मीनिंग, उसका कॉन्सेप्ट और उसकी टेक्निकल कुछ वर्डिंग जानने की कोशिश करेंगे कि ऑडिट बेसिकली होती क्या है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे जो फर्स्ट डेफिनेशन मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें ऑडिटिंग के बारे में क्या चीज मेंशन की गई है। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि ऑडिट में भी डिफाइंड एज द वेरिफिकेशन ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। सबसे पहली चीज इसमें क्या होती है कि हम ऑडिट के अंदर अकाउंट्स को और उसकी एक्यूरेसी को, कि हमारी जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, जो हमारे अकाउंटिंग बुक्स हैं, आया कि वो सही है या नहीं है। तो ऑडिटर का काम ये होगा, जो शख्स ऑडिट करते हैं उसे ऑडिटर कहा जाता है। ऑडिटर क्या करेंगे, बुक्स की वेरीफाई करेंगे कि जो भी उसके अंदर रिकॉर्डिंग या ट्रायल बैलेंस, जो भी बैलेंसिंग है, ट्रायल बैलेंस है, एडजस्टमेंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, आया कि वो सही ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं कारोबार का या नहीं दे रहे। यहां तक क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय इंडिपेंडेंट पर्संस क्वालिफाइड फॉर द जॉब। यहाँ पे दो बातें आ गई। इंडिपेंडेंट पर्सन का मतलब क्या हो गया कि देखिए ऑडिट के अंदर जो ऑडिटर होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको कोई भी शख्स डिक्टेट नहीं करवा सकता कि सर देखिए मुझे ऐसा लगता है। आप ऑडिटर को ये नहीं कह सकते कि सर देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इस अकाउंट्स में इसकी जगह ये चीज होनी चाहिए थी या मैं इसको सही कर देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऑडिटर विल बी इंडिपेंडेंट पर्सन एंड ही वुड ऑब्जर्व, ही वुड सी ईच एंड एवरीथिंग एंड ही विल मेक हिज ओन ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ evidences that he has collected। समझ में आ रहा है, जो भी वो evidences collection करेंगे, जो भी उनके पास evidences होंगे उसकी बुनियाद पे वो opinion बनाएंगे। account department के लोग, वहाँ के company के जो staff members हैं, उनके कहने पे वो कुछ नहीं करेंगे या उनके pressure में आके वो अपनी opinion change नहीं कर सकते। तो auditor should be independent person qualified for the job। हर कोई शख्स auditor नहीं बन सकता। auditor सिर्फ वही शख्स होंगे जो के उस मुल्क के अंदर, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के अंदर हर कोई ऑडिटर नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आईकैप के रूल के मुताबिक अगर एक शख्स ऑडिट करने जा रहे हैं कि किसी भी कंपनी के अंदर, उसके सर्टेन स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ क्राइटेरियाज हैं, तो ही मस्ट बी द ऑडिटर मस्ट बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, तो एक क्वालिफिकेशन होती है, अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन वो ऑडिटर के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। नॉट इन एनी वे कनेक्टेड विद द प्रिपरेशन ऑफ सच अकाउंट्स। ऑडिटर कभी भी किसी भी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिस कंपनी के अंदर अकाउंट्स को ऑडिट करने या एग्जामिन करने जा रहे हैं या चेक करने जा रहे हैं, वहां पे कभी भी उसकी प्रिपरेशन के अंदर उनका कोई अमल दखल नहीं होगा। ऑडिटर का कोई अमल दखल नहीं होता अकाउंट्स के प्रिपरेशन के अंदर, के बैलेंस शीट के अंदर वो अपनी हेल्प कर रहे हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट की, वो ऑडिटर जो है वो इनकम स्टेटमेंट बनाने के अंदर या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के अंदर हेल्प कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता अकाउंट्स की प्रिपरेशन के साथ। इट इज एन इंटेलिजेंट एंड क्रिटिकल स्क्रूटनी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस। ये जो ऑडिट होती है ना, ये ऐसी ऑडिट नहीं होती कि आपको बस लगता है सही है, ट्रायल बैलेंस बैलेंस है तो ठीक है सर, अकाउंट में कोई मिस्टेक नहीं है, अगर एडजस्टमेंट्स हैं तो एडजस्टमेंट भी सही पास होंगे। यू नीड टू जस्ट वेरी क्रिटिकली ऑब्जर्व, यू नीड टू वेरी क्रिटिकली सी द एंट्रीज एंड चेक द एंट्रीज, चेक द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। जहां पे आपको डाउट होता है तो यू नीड सम मोर एविडेंसेज, यू नीड सम मोर डिटेल इन ऑर्डर टू मेक योरसेल्फ सेटिस्फाई कि जो भी मैं मेरे माइंड के अंदर डाउट्स आ रहे हैं तो उनको एविडेंसेज के जरिए खत्म किया जा सकता है। तो दैट इज बेसिकली द ऑडिटिंग विद द डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स फ्रॉम व्हिच दे हैव बीन रिटन अप। तो ऑडिटर क्या करेंगे, स्क्रूटनी करेंगे अकाउंटिंग रिकॉर्ड की और वाउचर्स, जो भी वाउचर्स ऑब्वियसली अकाउंटिंग के अंदर वाउचर्स बनते हैं, वाउचर्स से फिर आगे रिकॉर्डिंग में वाउचर्स आते हैं, वाउचर्स के बाद फिर आगे प्रोसेस होती है चीजें, और मैं आगे बात करूंगा कि कितने टाइप के वाउचर्स होते हैं। ठीक है, तो अब हो गया कि वाउचर्स के जरिए जो भी हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स रिटर्न अप किए गए हैं उनको वो क्या करते हैं, उनको बहुत क्रिटिकली स्क्रूटिनाइज करते हैं, उसे ऑडिट कहा जाता है। इस डेफिनेशन को अगर मैं समअप कर दूं ना, तो इसका मतलब ये होगा कि ऑडिटिंग का मतलब ये होता है कि ऑडिटर वेरीफाई करेंगे, तस्दीक करेंगे कि जो भी वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड एग्जामिन कर रहे हैं, जो भी चेक कर रहे हैं, उसके अंदर किसी किस्म का एरर, उसके अंदर किसी किस्म का फ्रॉड या मिस्टेक मौजूद नहीं है। जो ऑडिटर होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे, किसी का प्रेशर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो उनको सही लगेगा
वही कहेंगे, जो गलत लगेगा उसको गलत कहेंगे, और वो जो ऑडिटर होंगे उसके स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होती है पाकिस्तान के अंदर, ऑडिटर मस्ट बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उस ऑडिटर का उस कंपनी के अकाउंट्स के साथ या उसके प्रिपरेशन के अंदर कोई भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक नहीं होगा या अमल दखल नहीं होगा। ऑडिट के अंदर आपने सिर्फ चेकिंग नहीं करनी, बट यू नीड टू क्रिटिकली स्क्रूटिनाइज कि अगर आपको जहां पे डाउट्स होते हैं तो आपने उन डाउट्स को क्लियर करना है। तो ये बेसिकली एक डेफिनेशन थी ऑडिट की। एक और डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं जो कि सेकंड डेफिनेशन है। ये जो डेफिनेशन है ऑडिट की, ये आईफैक्ट की डेफिनेशन है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। इन्होंने कहा एन ऑडिट इज द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। देखो वही बात, इंडिपेंडेंट का जो वर्ड है ना, समझते हैं ये तो आपको ऑडिट में मिलेगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट इस ऑडिट की एक थीम कहलाती है। ठीक है, ऑडिटर मस्ट बी इंडिपेंडेंट पर्सन, एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किसी के प्रेशर को एक्सेप्ट किए बगैर, किसी की ओपिनियन को माने बगैर, किसी के सजेशंस को माने बगैर, जो भी मैं चेक कर रहा हूँ उसकी बुनियाद पे ऑडिटर एक अपनी ओपिनियन बना रहे हैं, किसी के कहने पे नहीं जा रहे हैं। उनको मिस्टेक लगेगी, जो मैंने प्रीवियस बात की, मिस्टेक लगती है वो उसको मिस्टेक कहेंगे, गलती कहेंगे, जो सही है उसको सही कहेंगे। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऑब्वियसली जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड है उनके पास, जो भी वो ऑडिट कर रहे हैं, ऑफ एनी बिजनेस एंटिटी, किसी भी कारोबार की हो सकती है, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, और नॉट, जाहिर सी बात है कारोबार जो है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस होती है और नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस होती है। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती है, जो प्रॉफिट के लिए काम करती है। नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती है, जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती है या जो अपनी चैरिटी के लिए काम करती है, जिनका मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता। ठीक है, तो दोनों के अंदर ऑडिट का कॉन्सेप्ट होता है। ये नहीं होता कि सिर्फ जो कमर्शियल बिजनेस होते हैं वही ऑडिट करेंगे, जहाँ पे मुनाफा कमाना मकसद होता है वही ऑडिट करवाएंगे, जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हैं या जो सर्वे, जो जहाँ पे मुनाफा कॉन्सेप्ट नहीं है, जिनका मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता, तो वो लोग ऑडिट नहीं करवाएंगे, ऐसा बात नहीं होती। दोनों के लिए ऑडिट होगी, चाहे उनका साइज स्मॉल हो, लार्ज साइज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, या उनका कोई भी लीगल फॉर्म हो, पार्टनरशिप भी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, पब्लिक कंपनी भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन रूल्स जो मुल्क के रूल्स हैं उसके मुताबिक थोड़ा थोड़ा चेंज है, लेकिन उसमें बाद में बात करूंगा। ठीक है, तो सच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। और ये जो एग्जामिनेशन किया जाता है, इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि ऑडिटर आखिर के अंदर अपनी ओपिनियन देंगे, और उस ओपिनियन को ऑडिट रिपोर्ट कहा जाता है, जो कि उस पूरी ऑडिट का एक समअप होता है, चाहे वो एक पॉजिटिव वे के अंदर हो, चाहे वो नेगेटिव वे के अंदर। अब इस डेफिनेशन को मैं सम अप कर देता हूँ। आईफैक्ट की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड का, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, चाहे वो आपका प्रॉफिट ओरिएंटेड कारोबार हो, नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड कारोबार हो, उसका कोई भी मीडियम साइज हो, पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो। ठीक है, और वो जो एग्जामिनेशन होगा, उस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने का मकसद ये है कि जब वो ऑडिट खत्म हो जाएगी, जब वो अकाउंट्स चेक हो जाएंगे, उसके बाद ऑडिटर फाइनली अपनी ओपिनियन देंगे, और उस ओपिनियन को ऑडिट रिपोर्ट कहा जाता है। ये दो डेफिनेशंस थी ऑडिट की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।